आगरा के ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सीकरी में राजा टोडरमल की बरादरी के संरक्षण के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 450 साल पुराना लाइम प्लास्टर का बना पानी का टैंक और फव्वारा उत्खनन में मिला है। एएसआई ने पानी का टैंक और लाल पत्थर के फव्वारे को इसी बरादरी का हिस्सा माना है। उत्खनन जारी है और एक और दीवार निकलनी बाकी है। एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद बसंत कुमार स्वर्णकार के निर्देशन में फतेहपुर सीकरी में राजा टोडरमल की बरादरी का संरक्षण चल रहा है। यहाँ पर जब मजदूर पत्थर तराश रहे थे तो फर्श पर कुछ डिजाइन पैटर्न नजर आए, जिनकी मिट्टी हटाने पर लगा कि नीचे कुछ दबा हुआ है। एएसआई अधिकारियों ने यहाँ उत्खनन कराया तो मुगल कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना सामने आया। जमीन के नीचे से लाइम प्लास्टर का बना 8.7 मीटर लंबा चौकोर पानी का टैंक निकला, जो 1.1 मीटर गहरा है। 8.7 मीटर लंबे टैंक में हर दीवार पर 8 डिजाइन पैटर्न है। इस टैंक का फव्वारा लाल बलुई पत्थर का है। फव्वारे का पाइप किस धातु का है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन एएसआई इस टैंक को टोडरमल की बरादरी का हिस्सा मान रहा है। पुरातत्वविदों का मानना है कि बरादरी के बीचोंबीच फव्वारा रहा होगा, जो सीकरी की गर्मी से बचने के लिए बनाया गया। अधीक्षण पुरातत्वविद बसंत कुमार स्वर्णकार के मुताबिक, जब हम राजा टोडरमल की बरादरी का संरक्षण करा रहे थे, तब संरक्षण के लिए पत्थर तराशते समय वाटर टैंक का प्लेटफॉर्म निकला। ये बरादरी के ठीक सामने है और उसी का हिस्सा है। अभी उत्खनन जारी है, टैंक का एक और हिस्सा निकलना भी बाकी है। ताजमहल के यमुना किनारे महताब बाग में जिस तरह का अष्टकोणी वाटर टैंक है, वह भी बरादरी का हिस्सा था। ठीक उसी तरह की टोडरमल की बरादरी के सामने यह टैंक निकला है, लेकिन यह चौकोर है। जिस तरह का पैटर्न महताब बाग का है, वही पैटर्न सीकरी में टोडरमल की बरादरी के सामने का निकला है। महताब बाग में भी लाइम प्लास्टर का टैंक निकला है। यहाँ पर लाइम प्लास्टर का टैंक और फर्श निकला है, केवल बलुई पत्थर इसके ऊपर लगाया गया है।